राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इस बैठक में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए, जिसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा। वहीं जेईई और एनईई नीट की जो परीक्षाओं का जिक्र किया, इतना ही नहीं संजय सिंह ने प्रदेश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। अब कांग्रेस क्या करती है वो तो उन लोगों से पूछिए, वो तो अपने यहाँ ही एक दूसरे को नहीं बुलाते तो हमारे मुख्यमंत्री की क्या बात है। वो आपस में लड़ रही है पार्टी, उनका एक नेता कुछ बोलता है, दूसरा नेता कुछ बोलता है, कोई कहता है ये अध्यक्ष होना चाहिए, कोई कहता है वो अध्यक्ष होना चाहिए। तो जो पार्टी अपने ही नेताओं को एक दूसरे को नहीं बुलाती तो वो केजरीवाल जी को नहीं बुला रही, इसलिए कोई खबर थोड़ी है। नहीं, मुझे लगता है कि इतनी देर से कांग्रेस पार्टी क्यों जग रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारी पार्टी की छात्र इकाई ने इसको लेके लखनऊ में प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, उसमें उन लोगों की गिरफ्तारियां हुई, हमारे बंसराज दुबे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम कार्यकर्ता साथियों की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक जो देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो इतने दिन तक कहाँ थी, क्यों नहीं इनका मसला उठाया गया। मैंने देश के शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी, रमेश पोखरियाल जी को, हमारे उप मुख्यमंत्री ने इस पर विरोध दर्ज कराया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर विरोध दर्ज कराया। तो जो हम तो ये काम पहले से कर रहे हैं, इतने देर में आप लोग जग रहे हैं। 25 लाख स्टूडेंट्स का सवाल है, 25 लाख। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी के राज को जंगल राज भी कहना शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है, वहां ना कोई नियम है, ना कानून है, ना कोई व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मार दिए जाते हैं, पत्रकार मार दिए जाते हैं, व्यापारी मार दिया जाता है, बेटियों की हत्या हो जाती है। लखीमपुर खीरी में ये पहली कोई घटना नहीं है, एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। अभी मैं उनके परिवार से मिलने गया था। दूसरी घटना ये आई है जो दिल दहला देने वाली घटना है, बच्ची अपने घर से निकलती है फॉर्म भरने और उसकी कटी हुई लाश मिलती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर संजीत यादव का अपहरण हो या हत्या हो, ब्रजेश पाल का अपहरण हो या हत्या हो, पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या हो या फिर पत्रकार रतन सिंह की हत्या हो, एक सिलसिला चल रहा है हत्या का। प्रयागराज में एक परिवार के 4 लोगों का गला काट के हत्या कर दी गई, 2 लोगों को कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में हत्या कर दी गई, एक वकील साहब की हत्या कर दी गई गोरखपुर के अंदर, एक बच्ची जो है गोरखपुर के पिपराइच में जब छेड़खानी से तंग होती है तो अपने आप को आत्मदाह करके मार लेती है, और इसके खिलाफ अगर आप योगी के खिलाफ बोलिए तो आपके खिलाफ FIR लिखवाता है। ये तानाशाही चल रही है उत्तर प्रदेश में। ऐसी सरकार को जनता लामबंद होकर इस सरकार को उखाड़कर फेंक देना चाहिए, इनको एक मिनट भी सत्ता में रहने का हक नहीं है। आए दिन अपराध, गुंडागर्दी, हत्या, लूट, बलात्कार, ये उत्तर प्रदेश के अंदर अखबारों की सुर्खियां बनी पड़ी हुई है। आज ये हालत हो गई यूपी की, रो रहे हैं लोग, घरों से निकलना नहीं चाहते, अपनी बेटियों को भेजते हैं तो उनको चिंता होती है कि वो सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी।